गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 7 देखेंगे। अभी तक इस चैप्टर की क्लास 6 कंडक्ट हो चुकी है वीडियो के माध्यम से। आज टुडे प्रेजेंट इस वीडियो टॉपिक है आपका टाइप ऑफ सेल, बुक है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड है आपका 402, चैप्टर फर्स्ट बेसिक ऑफ इंटरनेट। क्लियर? अब देखिए बेटा, टाइप ऑफ सेल अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मेल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और एफटीपी सर्वर, 3 टाइप ऑफ सर्वर बता चुके हैं। और आज है सेकंड लास्ट आपका सर्वर डाटा बेस सर्वर। डाटा बेस सर्वर के बारे में ऑब्वियसली सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसी को ही डाटा बेस सर्वर बोलते हैं। आप सब फाइल शेयर भी करते हैं, फाइल सेव भी करते हैं, कोई भी डाटा आप कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं, चाहे छोटे से छोटा डाटा चाहे बड़े से बड़ा डाटा, हर डाटा को आपको सेव करना है। हर डाटा आप सेव भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं और रीस्टोर भी करते हैं, लेकिन ये सारा डाटा किस तरीके से सेव होता है, ये सब कुछ किस में आता है? डाटाबेस सर्वर के अंदर। अब देखिए, जो हम कोई भी डाटा बनाते हैं, चाहे हम एमएस वर्ड पे बनाएं, चाहे हम एक्सेल पे बनाएं, चाहे हम पावर पॉइंट पे बनाएं या एक्सेस पे बनाएं और या एमएस वर्ड पैड पे बनाएं, किसी पे भी बनाएं, चाहे कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में बनाएं या कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनाएं, ये सारा डाटा डाटाबेस सर्वर पे सेव होता है। लेकिन अब डाटाबेस होता क्या है? अब आप देखिए, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिस तरीके से हम सेव करते हैं, कोई सी फाइल को हम सेव करते हैं, अब सेव करने के बाद वो हमारा क्या बन जाता है? डाटा बन जाता है। उस डाटा को कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। आज हमें देखिए कोई रिज्यूम बनाना है, एग्जांपल के तौर पे हमें कोई रिज्यूम बनाना है, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर खोलेंगे? एमएस वर्ड का, एमएस सॉफ्टवेयर का, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का, कौन सा सॉफ्टवेयर खोलेंगे, कौन सी एप्लीकेशन खोलेंगे? एमएस वर्ड। अब देखिए बेटा, एमएस वर्ड खोलने के बाद हम रिज्यूम बनाते हैं। रिज्यूम मतलब सीवी, जो आपका डाटा होता है, आपका जो भी आप अपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन होती है वो रिज्यूम होता है, सीवी, ठीक है, कैरेक्टर वगैरह। अब देखिए बेटा, वो सारा कुछ डाटा हमने बना लिया। अब डाटा बनाने के बाद उसको हम सेव कर देते हैं, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर के लिए हम सेव तो कर देते हैं, लेकिन उसको डाटा जब भी हमें जरूरत होती है, उस डाटा पे क्या करते हैं, डेट वाइज डाल देते हैं, उसके बाद हमें निकालने में आसानी होती है। लेकिन आज से पहले जब कंप्यूटर नहीं चलता था, जब कंप्यूटर नहीं चलता था तो हर एक सेठ लोगों के पास मुनीम होते थे, सेठ लोगों के पास मुनीम होते थे और वो मुनीम सारा डाटा रखते थे, सारा डाटा रखते थे, या कोई भी किसी भी संस्था में चले जाओ, जब कंप्यूटर नहीं होते थे तो डाटा को हर एक लोकर में बनाया जाता था। चाहे हम स्कूल में चले जाते थे तो हमें जो किताबें बांध के इस तरीके से रख दिया जाता था, लोकर में रख दिया जाता था और उसके ऊपर नाम लिख दिया जाता था, उसके ऊपर नाम लिख दिया जाता था, ये इस ईयर का डाटा है, ये इस ईयर का डाटा है, ये सारा कुछ ऐसे लिख दिया जाता था, जैसे 1920 का, 2021 का, 1718 का, 1670 का, ये डाटा ऐसे स्कूलों में रख दिया जाता था। लेकिन ऐसी कंपनियों में फाइल को कलर के अकॉर्डिंग रख दिया जाता था, या ईयर के अकॉर्डिंग रख दिया जाता था, या वीक के अकॉर्डिंग, ऐसे डाटा को अलग अलग सेक्टर में रख दिया जाता था। सॉफ्टवेयर तो थे नहीं ना कुछ थे, तो हम अलमीरा में रख देते, या कोई टेबल में, या कोई भी जैसे बॉक्स मिलता था उस बॉक्स में ऐसे रख देते थे, या डोर में किसी में भी रख देते थे, जैसे आसानी से वहां से पहचान जा सके। लेकिन आजकल वो काम नहीं है। आजकल ऑब्वियसली जितना भी वर्क होता है वो सब कंप्यूटर पे होने लगे। चाहे हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ज्यादातर जो वर्क करते हैं, जितना भी हम ऑफिशियल वर्क करते हैं वो भी कंप्यूटर पे, अकाउंटिंग वर्क करते हैं वो भी कंप्यूटर पे, कोई पेमेंट मोड करते हैं तो वो भी कंप्यूटर पे, कोई स्टडी करते हैं वो भी ऑनलाइन होंगे, तो ये सारा कुछ कंप्यूटर पे होने लगे। अब कंप्यूटर उस डाटा को स्टोर कैसे करता है, कैसे रखता है, हमें ये तो पता है कि
कि हम कंप्यूटर में देखते हैं, हमें ये भी पता है कि हम कोई भी डाटा कोई भी यूट्यूब चैनल में देखते हैं या किसी भी चीजों पे देखते हैं, ये सारा कुछ डाटा हम सेव कैसे रखते हैं इतना भी पता है। डाउनलोड भी हम करते थे, कोई पीडीएफ फाइल को खोल के हम गूगल से कोई पीडीएफ फाइल खोली और उस फाइल को खोलने के बाद डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद हम सेव भी करते। अब वो डाटा किस किस जगह हम रखते हैं वो हमें पता होता है, हमें ज्यादा कागजों की जरूरत नहीं होती, ज्यादा माइंड ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि डाटा हमें इजीली मिल जाता है। अब वो डाटा मोबाइल में भी रख सकते हैं, मोबाइल भी डाटाबेस सर्वर का एक पार्ट है, हम डाटा उसमें रख सकते हैं, मोबाइल के अंदर रख सकते हैं, कोई मेमोरी कार्ड के अंदर रख सकते हैं, पेन ड्राइव के अंदर रख सकते हैं, ये सारा डाटा यही टाइप है। क्योंकि डाटा सेव करने के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके हैं सेव करने के। अब हम कंप्यूटर की बात करें, अब देखिए कंप्यूटर के अंदर MS Excel के अंदर जितना भी डाटा बनता है टेबल्स बनती है। अब वो टेबल्स चाहे स्कूल का एक एग्जाम्पल ले लो कि हमें स्टूडेंट की रैंक निकालनी है तो वो भी टेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास स्कूल में अंदर कितने हैं हमें ये भी पता चल जाता है, कौन सी क्लास में स्टूडेंट है ये भी पता चल जाता है, उसके पास कौन सी हिस्ट्री में ये भी पता चल जाता है, और उसके कितने मार्क्स आए हैं एनुअल में हाफ ईयरली में टेस्ट में कितने मार्क्स आए ये भी पता चल जाता है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर कर लेता है। और कंप्यूटर कहाँ सेव करता है, कंप्यूटर कहाँ सेव करता है डाटा, डाटा बनाकर सेव करता है। और उसे हम कोई से भी फ्यूचर के अंदर किसी भी ईयर में फ्यूचर के अंदर किसी भी ईयर में या पास्ट में जितना भी डाटा बनाया है फ्यूचर में उस डाटा को ओपन कर सकते हैं। ये सब कुछ डाटा सर्वर का ही कमाल होता है कि डाटा बेस नहीं हो, डाटा नहीं हो, डाटा संग्रह करने की शक्ति नहीं हो कंप्यूटर के अंदर तो आप डाटा सेव नहीं कर सकते। चाहे हमें रेम रोम ये सारा डाटा सेव करने के लिए आती है, हार्ड डिस्क ये सारा डाटा सेव करने के लिए आती है, सेव करने के लिए जो हमारी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर वो डाटा सेव ही तो करती है। कई बार देखा होगा हमारी विंडो करेक्ट हो भी जाती है तो भी हमारा डाटा बन जाता है और वो डाटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। ये सारा कुछ डाटाबेस ही करता है। अब एक्सेल में हम कोई भी स्टूडेंट टेबल कोई भी फाइल बनाते हैं ये सारा कुछ डाटा ही तो है, उसको जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां क्योंकि हर कंपनी के पास आईटी सेक्टर्स होता है, हर कंपनी के पास आईटी सेक्टर्स होता है। आईटी सेक्टर क्या देखता है कि कंप्यूटर में कितना डाटा अपलोड हो गया है, कितना डाउनलोड हो गया है, कितना सेव हो चुका है और कितना हमें डिलीट करना है, यही तो देखता है। आज आप देखते हो कॉल सेंटर का नाम तो आपने सबने सुना होगा, जिसमें हम कॉलिंग करते हैं, जब से कभी कोई बैलेंस कट जाता है तो इस तरीके से कॉलिंग करते हैं तो बैलेंस कट जाता है, कॉल टू लग जाती है वो, और जो हमारी कॉल सुनते हैं वो क्या होते हैं कॉल सेंटर से ही होती है। अब कॉल सेंटर में कितने लोगों की कॉल जाती होगी, कितने लोग क्वेरी करते होंगे, सब पूछते होंगे, बट ये सारा डाटा सेव भी होता है, सारी कॉलिंग भी सेव होती है। आज हमारे फोन की हर एक कॉलिंग सेव होती है, हर एक कॉलिंग जहां भी आपका डिपार्टमेंट सेव करने का है, चाहे आपके मोबाइल का हो, मोबाइल के अंदर जो भी कंपनी आपकी सिम लग रही है वहां पे डाटा आपका सेव होता है। कॉलिंग की आपका हर एक कॉल सेव हो सकता है, हर एक डाटा जिस सेक्टर पे आपने किया है, जिस टेक्नोलॉजी से किया है वहां पे आपने सेव कर सकते हैं, सेव भी होता है, हर एक डाटा सेव होता है। लेकिन आज कोई भी मोबाइल के अंदर ऐप डालोगे ऐप के अंदर भी सेव का ऑप्शन आता है, या मेमोरी कार्ड में करें या इंटरनल मेमोरी में करें, ये भी डाटा सेव ही है, ये भी तो डाटा ही है, ये भी तो हम डाटा सेव ही कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं ये हमें तो पता है कि डाटा सेव कर रहे हैं, लेकिन उसको कंप्लीटली डाटा सर्वर। अब डाटा सर्वर क्या होता है, जो आस पास के जितने भी मोबाइल जितने भी कंप्यूटर उन सभी का डाटा सेव करके रखता है और वो फिर वो रिस्टोर करके कर देता है, ये डाटा सर्वर का काम करता है। डाटा सर्वर एप्लीकेशन सर्वर हमने पढ़ लिया, मेल सर्वर हमने पढ़ लिया, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर कैसे होता है वो पढ़ लिया। अब डाटाबेस सर्वर, क्यों फाइल ट्रांसफर होने के बाद तो डाटा में तो जाएगी तो ऑब्वियसली हम डाटाबेस सर्वर देखिए। हम डाटाबेस सर्वर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड डाटाबेस। डाटाबेस सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड
डाटाबेस सर्वर प्रोवाइड डाटा बेस सर्विस टू अदर कंपनी। डाटाबेस सर्वर क्या करता है? डाटाबेस सर्विस सर्विस प्रदान करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से, एक यूजर से दूसरे यूजर पर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। हम ट्रांसफर जब करते हैं ब्लूटूथ से, सेल से, जापिया से, इस तरीके से अलग अलग शेयर के डिपार्टमेंट बना रखे, अलग अलग शेयर के एप्लीकेशन बना रखे, अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रखे शेयर करने के, बना रखे है ना। हम शेयर भी करते हैं, वो शेयर होने के बाद डाटा जाता तो है ना कहीं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता तो है ना, और वो सेव होता है, डाटा हो जाता है। प्रोग्राम और कंप्यूटर यूजिंग क्लाइंट सर्वर मोड। क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट कौन होता है? यूजर। क्लाइंट कौन होता है? यूजर, जो यूज करने वाला। कंप्यूटर का यूजर कौन होता है? पर्सनल कंप्यूटर का यूज करने वाला हम खुद होते हैं, ठीक है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। बट यूजर कौन होता है? क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट भी यूजर ही होता है, क्लाइंट भी एक तरह का यूजर ही है। अब देखिए बेटा, मैं आपको ड्रॉ के बारे में बता रहा हूं। देखिए ये डाटाबेस सर्वर, ये क्या है? डाटाबेस। वो क्या करता है? डाटा ट्रांसफर, पीसी में कर दिया, ऐसा कंप्यूटर में, इधर इधर, ये सारे कंप्यूटर में कर दिया, और ये मोबाइल। तो आपको इस ड्रॉ से पता चलता है कि डाटाबेस सर्वर क्या करता है? डाटा ट्रांसफर भी करता है, डाटा ट्रांसफर भी करता है, और डाटा भी संग्रहण भी करता है, डाटा स्टोर भी करता है ना। अब डाटा स्टोर करेगा तो डाटा एक्सेस भी करना आता है उसको। जब वो स्टोर कर सकता है तो जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस के मतलब उसको निकाल सकते हैं। जब भी हमें उस डाटा की जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल तो सकते हैं ना। अब देखिए बेटा, यहां सेव हो गया और ये ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद उसको हर एक कंप्यूटर में, पीसी में पहुंच चुका। ऐसे ही एक ड्रो, ये तो छोटा सा एक ड्रो था। ये देखिए, ये क्या है? यूजर, मतलब मैं, ठीक है, हम खुद हैं। यूजर हो गया जिसको हम क्लाइंट में आते हैं। यूजर क्या करता है? यहां से ये वाला ड्रो, ये ड्रो अलग है, ये ध्यान रखिए, ये वाला ड्रो जो है ये ड्रो अलग है, ओके, ये वाला ड्रो अलग है, ये ड्रो अलग है। अब ये देखो यूजर, ओके, अब देखो यूजर किसके पास भेजा? यूजर बिना कंप्यूटर के तो यूजर भी काम कर रहे, उसके पास कंप्यूटर या मॉनिटर जो भी है होना चाहिए। कंप्यूटर है इसके पास, उसने डाटा सेव कर दिया। सेव करने के बाद एप्लीकेशन, आपको बताया जितने भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, हमारे पास जितने भी डाटा होते हैं, हर एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, कितनी एप्लीकेशन होती है, वो सारा डाटा उसके अंदर संग्रह है, हम खोलते हैं। लेकिन वो सारा डाटा कहां जाता है? डाटा सर्वर पे। हमारा ये ध्यान रखिए, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। आप किसी भी चीज में, कहीं भी उस कंप्यूटर को रख दीजिए, किसी भी सेक्टर में रख दीजिए, किसी भी विलेज में रख दीजिए, किसी भी कंपनी में रख दीजिए, किसी भी सिटी में रख दीजिए, किसी भी रूम में रख दीजिए, लेकिन एक आईपी एड्रेस से, आपके आईपी एड्रेस से उस डाटा, उस कंप्यूटर की सारी चीजें निकाल सकते हैं, एक आईपी एड्रेस। अब देखिए, निकाल भी सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्राइम होता है। अब क्राइम के बाद वो क्या करते हैं डाटा निकालने के लिए? कंप्यूटर को तोड़ भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं, फिर भी कंप्यूटर से डाटा निकाल लेते हैं, वो सिर्फ एक आईपी एड्रेस की वजह से। डाटा संग्रहण में हार्ड डिस्क बच जाती है तो हार्ड डिस्क के जरिए, तो डाटा आपका सेफ ही रहता है जब तक आप उसको कंप्लीटली कंप्यूटर से डिलीट नहीं करोगे तब तक। क्लियर? यदि कंप्यूटर से डिलीट करने के बाद भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उस डाटा को वापस से ले आते हैं, ओके। तो देखिए बेटा, यहाँ डाटाबेस सर्वर है, डाटाबेस सर्वर का मैंने डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यूजर से, यूजर ने चलाया कंप्यूटर, कंप्यूटर में सेव किया, एप्लीकेशन सर्वर का यूज किया और डाटाबेस सर्वर तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस सर्वर क्या करता है? इन फ्यूचर, इन फ्यूचर क्या करता है? बैकअप। इन फ्यूचर वो क्या करता है? बैकअप, मतलब इन फ्यूचर आपको कर सकता है जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी,
जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो बैकअप कर सकता है, मतलब उसको एक्सेस कर सकता है। जब भी उसकी जरूरत फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो बैकअप मतलब उसको बैकअप दे सकता है कि रिस्टोर करने का, मतलब उसको एक्सेस करने का कि आज मैं जब लगा है चाहे वो मैंने ये डब्ल्यू और एस बना रखा है, ये डब्ल्यू और एस बना रखा है, इसका मतलब ये बता देता हूँ। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड पैक का, मैंने जब भी आप कंप्यूटर खोलोगे तो आपको ब्लू कलर में डब्ल्यू बना लिखेगा। एमएस ऑफिस का ये सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड या एस बना के दिखा रखा है, एस का मतलब पहले ये एस ठीक है ई आता था, ई का मतलब एक्शन, और आज के कंप्यूटर में ग्रीन कलर के उसमें आता है एस बना हुआ स्प्रेडशीट, ठीक है, जिसको हम एक्सेल ही बोलते हैं। क्लियर, हम डाटा एक्सेल में एमएस वर्ड में पावर पॉइंट में जैसी जिस तरीके से फाइल है जिस तरीके का डाटा है उस तरीके से डाटा उसे सेव करते हैं। क्लियर हो गया, और समय पे हम भी जरूरत इन फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी उसको एक्सेस कर लेंगे। क्लियर है, यहां तक आपका क्लियर हो गया बेटा। फिर अब देखिए इसके बाद, देखिए बेटा यहां तक आपको क्लियर है, अब देखिए कि इसके बाद यहां लो, अब जो भी आप डाटा बनाओगे, जो भी आप डाटा बनाओगे तो वो डाटा क्या बनेगा, हम हाँ डाटा को लोड भी कर सकते, जो आप डाटा बनाओगे उसको हम लोड भी कर सकते। क्लियर हो गया, अब देखिए बेटा जब हम लोड कर सकते हैं उस डाटा को, लोड कर सकते हैं इजीली, हमको आपको पता है कि मैं उसको लोड कर सकता हूं, कि हम जो भी डाटा बनाते हैं चाहे एमएस एक्सेल में बनाएं चाहे एमएस वर्ड में बनाएं, हम पूरे एमएस ऑफिस को लोड कर सकते हैं और हम एक्सेल को भी लोड कर सकते हैं, एमएस वर्ड को भी लोड कर सकते हैं, जहां भी हम डाटा सेव करते हैं उस चीज को हम उस सॉफ्टवेयर को उस एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं, ये डेफिनेटली है। और लेकिन मैं एक पर्सनल राय दे रहा हूं, आपको हमेशा कोई भी डाटा बनाए, जब भी आप कोई भी डाटा बनाए तो आप उसको लोड करके रखिए, क्योंकि आपका डाटा को चुरा दिया, क्योंकि देखो कंप्यूटर हैकिंग आपको पता है, कंप्यूटर हैकिंग करती है जो आपका डाटा ही चुराने के लिए करने दे जाती है, मोबाइल हैकिंग वो भी आपके मोबाइल के डाटा को चुराने के लिए की जाती है, तो आपका जो भी है आपका डाटा चोरी नहीं हो, मतलब डाटा आपका किसी के पास ना ही जाए, तो आप लोग करके रखिए हर डाटा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए फ्यूचर। ओके, ये जो मैंने आपको ये यहाँ पे बना रखा है एक बहुत अच्छा सा डिजाइन भी बना रखा है ये डायग्राम, इसमें क्या होता है आप देखिए, हमारे जो इसरो है, हमारी जो स्पेस संस्थाएं जो स्पेस भेजती है वो संस्थाएं हैं जो सैटेलाइट सिस्टम भेजती है, इसरो है, यूएसए नासा है, वो जी डाटा सर्वर को भी भेजती है या सैटेलाइट भेजती है, तो सैटेलाइट भेजती है तो किसके लिए भेजती है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम अच्छा कर सके, सैटेलाइट सिस्टम और भी अच्छा हो और जिससे हमारे नेटवर्क सिस्टम अच्छे हो, और जब नेटवर्क सिस्टम अच्छे हो गए तो डाटा सेव भी होगा ठीक है, और एक्सेस भी होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, यहाँ तक का ले लीजिए बेटा एक बार। बेटा देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसको डेफिनेशन को, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाटाबेस सर्वर, एक डाटाबेस सर्वर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड, डाटाबेस सर्वर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड करता है डाटाबेस सर्विस को, कंप्यूटर प्रोग्राम तो है डाटाबेस सर्विस को प्रोवाइड करता है टू अदर कंप्यूटर के लिए, अदर कंप्यूटर मैंने बताया था ये एग्जांपल देके बताया था कि अदर कंप्यूटर का यूज क्यों होता है, प्रोग्राम एंड कंप्यूटर यूजिंग द क्लाइंट सर्वर मोड, यूजर उसको यूज करता है, कंप्यूटर यूजर या कंप्यूटर यूजिंग मोड है, कंप्यूटर यूजर मोड में बात हो रही है, प्रोग्राम है उसको क्लाइंट सर्वर मोड पे यूज भी करता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक बेटा, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको डायग्राम समझ में नहीं आया, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 के अंदर आपका ऑब्वियसली सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और फिर भी मैं आपको कहता हूँ ये सर्वर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, सर्वर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 में आपको मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।